सो यो व्हाट्स अप गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका भाई आ चुका है एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो लेकर। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ऑसम होने वाली है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुकून से माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और आप किसी विलेजर से ट्रेड कर रहे हो, मोस्टली फार्मर। सो गाइस, वो अपने रेट्स को इंक्रीज कर देता है, तो उसकी वजह से या तो आपको रेट बुलाना पड़ता है या तो आपको ज़्यादा एमराल्ड्स देना पड़ता है। और मोस्टली केस में आप रेट्स बुलाते हो, और रेट्स बुलाने के बाद तो आप बुला तो देते हो लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाते हो। सो गाइस, मैं एक ऐसा वेपन लाया हूँ जिससे आप एक बार में बहुत सारे विलेजर्स को मार सकते हो। सो गाइस, आप देख ही सकते हो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये सब डिस्पेंसर्स है, और गाइज़ इसमें आप तो अंदाज तो लग ही गया होगा इसमें होगा क्या। इस पर मैंने रखे फायर चार्ज, मोस्टली बहुत लोग बस फायर चार्ज होते ही नहीं है माइनक्राफ्ट में। सो गाइज़, आप इसमें एरोज़ भी रख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे आगे मैंने यहाँ पर डिस्पेंसर्स रखे हैं। और गाइज़, जिसको नहीं पता, बेसिक चीज़ भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर मैं अभी इस डिस्पेंसर को तोड़ता हूँ, और गाइज़ ये अभी गिर गया, अगर वही गाइज़ मैं इसको फिर से लगाऊँ, आपको जिस एंगल में डिस्पेंसर चाहिए आपको उसी एंगल में खड़े होकर लगाना होगा। अगर आप इस एंगल से इधर लगा रहे हो तो ये उस तरफ के लिए फायर करेगा, और वही अगर आप इस तरफ के लिए फायर करवाना चाहते हो सो गाइज़ आपको इस तरफ खड़े होकर लगाना पड़ेगा। सो गाइज़, ये मैंने आपको बता दिया। और गाइज़, फिर उसके अंदर आप एरोज़ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए मैंने फायर चार्जेस रखे हैं, बहुत सारे सबके अंदर फायर चार्ज है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइज़, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इसके पीछे रिपीटर्स लगाना है। सो गाइज़, मैं आपको रिपीटर्स का भी यूज़ बताऊंगा। रिपीटर्स इसलिए होता है ताकि आप अपने फायरिंग को स्पीड कर सको। और गाइज़, उसके पीछे आप लगा दो कुछ रेडस्टोन के डस्ट। गाइज़, उससे आपको वायरिंग करना होगा, सब मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबके पीछे आप एक एक वायरिंग के लिए रख दो रेडस्टोन, और उसके नीचे आपको स्लैब्स रखना। और गाइज़, उसका कनेक्शन मैं आपको एक सेकंड के लिए इधर दिखा देता हूँ। सो गाइज़, मैंने सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस फॉलो किया है। सबसे पहले सबके पीछे पांच पांच लगा दिया है, उसके बाद एक एक ब्लॉक के हिसाब से एक एक स्लैब्स नीचे लगा के मैंने रेडस्टोन को कनेक्ट किया है। और गाइज़, अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा है तो गाइज़ मैं आपको एक रीज़न दिखा सकता हूँ। बहुत बार होता है कि आप स्लैब ऐसे रख दिए, और अगर गाइज़ ये अगर रेडस्टोन आपने रखा और ये ऑल फोर डायरेक्शन में ऐसे लाइन ले रहे हैं, सो गाइज़ ये मतलब कनेक्टेड नहीं है। और वही गाइज़, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि सबके पीछे एक एक लाइन जैसा, सो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो एक ग्रिड फॉर्म कर ले रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कर्व लिया तो यहाँ पे एक डॉट बन चुका है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यहाँ से फिर मैंने आगे के लिए बढ़ाया तो गाइज़ इधर एक डॉट फॉर्म कर रहा है, और आगे मैंने बटन प्रेस कर दिया है। और गाइज़, ऊपर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने एरोज़ रखा है इसमें। सो गाइज़, एक बार मैं आपको फायर करके दिखा देता हूँ, और टारगेट हमारा ये ट्री होगा। गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो, पांच में से तीन तो ट्री पे लगा है, और गाइज़ दो तो मिस हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, मिस भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम 100% एक्यूरेसी इसमें होगा, लेकिन फिर भी गाइज़ ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर गाइज़ आप लैंड के एकदम एक स्टेप ऊपर रखोगे डिस्पेंसर को, सो गाइज़ ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन मैंने इसे इसलिए ऐसा बनाया ताकि आपका, बहुत लोग ऐसा होता है कि कैसल बनाते हैं, तो कैसल में दूर दूर फायर करने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और गाइज़, मैं इसका आपको लुक दिखा देता हूँ। सो गाइज़, मैंने इसका लुक बहुत अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया है। सो गाइज़, आप भी इसे अपने अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आगे के लिए मैंने ग्लासेस लगाए ताकि मैं देख सकता हूँ। और गाइज़, एक बार मैं इसको भी फायर करके दिखा देता हूँ। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो, एक बार में पांच फायर चार्ज थ्रो हो रहा है। सो गाइज़, ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप एरोज़ रखो, क्योंकि एरोज़ में ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आप रात के टाइम इससे फायर करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, ऑसम रहेगा, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन रेड्स अधिकतर लोग सुबह के टाइम पे करते हैं, इसलिए एरोज़ ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं, रात हो चुका है, मैं आपको एक बार फायर करके दिखा देता हूँ। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं, रात के टाइम कितना प्रिटी, कितना ऑसम लगता है। सो गाइज़, मैं इसी की बात कर रहा था। और गाइज़, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो गाइज़ प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते होंगे अभी तक सिर्फ 8 या 9 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद 10 सब्सक्राइबर्स हो जाए। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप भी इस चैनल के मेंबर बन सको। और गाइज़, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और कंटेंट पे भी वीडियो बनाऊँ, सो गाइज़ प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। गाइज़, मैं उसको प्रॉमिस ट्राई करके अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइज़, मुझे क्या लगता है, इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब इस वीडियो को और एक्सटेंड नहीं करते हैं। सो गाइज़, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।